हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। ईद कैसी गुजर रही है जनाब? अगर आपने अभी तक मेरे ईद के पहले और दूसरे दिन का व्लॉग नहीं देखा तो काइंडली चैनल पे जाके व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज है ईद का तीसरा दिन और मैं जो है पहले दिन गई थी शाम में अपने ससुराल, और आज सुबह मैं वापस आई हूँ 10-12 बजे। और आते ही मेरी अपनी जो है वो रूटीन स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो गोश वगैरह मिला था अभी मैं उसको वॉश वगैरह करने लगी हूँ। अच्छे से वॉश करके, अच्छे से सेट करके मैं इसको रखने वाली हूँ। तो यहाँ से मेरे आज के दिन की शुरुआत हो रही है। तो चलें आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे का दिन कैसे गुजरने वाला है। खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ और गोश्त के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक कीमा बनाना है, कोई टिक्का बिहारी बोटी बनानी है, बिरयानी बनानी है एंड ऑल दैट। तो थोड़ी देर बाद ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इन डब्बों में मैंने बॉक्स में अच्छे से गोश्त जो है वो साफ़ करके रख दिया है, बस मुझे उठाना है, इसको अच्छे से बॉयल करके पकाना है, सेट करके रखना है, फिर मिलते हैं। एक दिन के लिए आप कहीं चले जाएं तो आपके घर का हशर नशर हो जाता है, और बिल्कुल यही हाल मेरे घर का हो रहा है। फ़िलहाल सब कुछ बिखरा पड़ा है। अभी खैर टाइम नहीं है कि मैं घर की सफ़ाई करूं, तो इंशाल्लाह कल सुबह मैं घर की सफ़ाई करने वाली हूं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुबारक हो, आपके 300 से सब्सक्राइबर बढ़ गए। मैंने आज आपका चैनल देखा, 320 हो गए हमारे चैनल के, तो 1260 हो गए। कब 320 हो? शाम में। अच्छा, मैंने देखा मेरे वाले चैनल के तो 1260 सब्सक्राइबर हो गए। माशाल्लाह, मुबारक। 1100 आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। खैर, आज ये मम्मी ने बिरयानी बनाई है, बिल्कुल, और ये बीफ बिरयानी मम्मी बना रही है। अभी ये दम की तैयारी हो रही है। ईद के तीसरा दिन है आज, और आज अम्मी ने बनाई है बीफ बिरयानी। अम्मी जो है, वैसे अब हम अम्मी को खाना बनाने नहीं देते क्योंकि भाभी बनाती हैं, लेकिन ईद का दिन था तो अम्मी ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें अपने आज मैं अपनी पुरानी याददाश्त ताज़ा करती हूँ। भूल गई है बनाना, देखें बार बार चावल डाले जा रही है, फिर कभी आलू डाल रही है, कोई नहीं भूली, कभी चावल डाल रही है। समझ नहीं आ रहा इनको कि करूँ क्या, बस फंस गई हूँ आज मैं गोची खाने में। आपको बनाने नहीं आती, आप चुप रहे। देखें देखें, बार बार डोया घुमाई जा रही है, और यहाँ पे आप जरा रश देखें अम्मी के ऊपर कितना रश लग। अब देखो फिर दोबारा ये इसे अंडे में टूट पड़ेगा। ये ऐसे पता है जैसे तक नहीं करते। अब देखें दोबारा ये, अब ये क्यों इसमें पानी डल रहा है, ये कलर डल रहा है इसके अंदर बिरयानी का। केवड़ा तो कबर में डलता है। क्या हो गया? बिरयानी में भी डलता है। केवड़े का पानी कबर में डलता है? नहीं, बिरयानी में भी डलता है। फरीद कबर में जो डालते हैं वो केवड़ा ही होता है ना। नहीं, सबर करो, चल रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं ना, सबर करो। देखिए अभी एक चम्मच मैं डालता हूँ थोड़ा बहुत ग्रेवी का, खराब हो जाएगी। इनका कहना है कि पहले एक दफा चावलों को फैलाया जाए, उसके बाद फिर चावलों के ऊपर। आज ये बिरयानी पता नहीं खाने लायक बचेगी भी के नहीं। ये क्या, तुम मेरे से एडवांस हो गई, तुमने पूरी देगची कल्टी कर दी। मम्मा इतनी मेहनत की है अम्मा ने। और ये व्यूअर्स, बिरयानी आई है फॉर टेस्ट, और अभी हम सब टेस्ट करने वाले हैं और सबके कमेंट्स पूछने वाले हैं। आखिर शादियों में जो बिरयानी बनती है हॉल में, वो बिरयानी बनाई है आपकी बहू। थोड़ा सा ना दम आएगा। अब मैं भी जा रही हूँ चखने। अम्मा वाओ, क्या तो गोश्त गलाया यार। मुट्ठी खाओ। अच्छा डर के नहीं मरता। हां हां, मैं कुछ चखा चखा यार, क्या इसको कैसे गिना हुई है मिर्चें इसमें। अच्छा दे। बिस्मिल्लाह। बाबा नहीं, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। आप ये मतलब मिलता है अच्छा टेस्ट तो बिरयानी के हिसाब से सही है, परफेक्ट है। परफेक्ट बनी हुई एकदम आएगा। तुमने टेस्ट की करो ना, बहुत अच्छा है।
दिल तो कर रहा है अभी खा ले। नहीं थोड़ा दम आएगा, पानी सूखेगा। और व्यूअर्स, यहाँ पे खाना बन चुका था और सब ने दस्तरखान पे बैठकर खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अम्मी के हाथों की बड़ी ही तारीफ हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह से। माँ के हाथ में वैसे भी बहुत जायका होता है, तो ये सब तो आप ही जानते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।